पेट दर्द की वजह से जिन मुश्किल का सामना कर रहा होता है, इन मेडिसिन के इस्तेमाल से वो कुछ ही वक्त में जो है ना हशाश बशाश और सुकून की कैफियत में वापस आ जाता है। तो पेट दर्द की मुख्तलिफ कैफियात को मैं जिक्र करता हूँ। अगर पेट में दर्द की वजह से मरीज इकट्ठा होकर बैठे, यानी घुटनों को पेट के साथ जोड़कर बैठे, ऐसे इकट्ठा होकर बैठे, तो उस कैफियत में मरीज के सीधा बैठना जो है ना मुश्किल होता है, और इसी वजह से वो ऐसे ही इकट्ठा होकर जब बैठता है तो उसको कुछ तकलीफ में कमी महसूस होती है, उसमें कुछ सुकून महसूस होता है, इसलिए वो पेट और टांगों को ऐसे घुटनों को जोड़ कर बैठता है। इसी तरह अगर किसी बच्चे के पेट में दर्द है, किसी जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको अगर पेट में दर्द है, अगर आप उसको उठाते हैं तो वो एकदम से अपने घुटनों उठा पेट के साथ जोड़ लेता है। तो अगर इस कैफियत का कोई मरीज आपके पास आता है तो इस कैफियत के ऊपर जो बेस्ट मेडिसिन है, बेहतरीन असर रखने वाली मेडिसिन है वो कारोसंत। इसी तरह इसके बरक्स अगर मरीज पेट दर्द की वजह से ऐसे अकड़ कर बैठे, सीधा होकर बैठे और या सीधा होकर लेटे, तो इस कैफियत में जो बेहतरीन और बेस्ट असर रखने वाली जो मेडिसिन है वो है डाइस्कोरिया। इन दोनों मेडिसिन को आप मुख्तलिफ टेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। आमतौर पर इस मेडिसिन को आप 200 टेंसी में 200 ताकत में आप इस्तेमाल करवाएं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। इसी तरह पेट की दूसरी मुख्तलिफ कैफियात, मुख्तलिफ हालतें पेट दर्द और गैस की वजह से जो पेश आती हैं उनका मैं जिक्र करता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर पेट में दर्द और गैस पेट के ऊपर वाले हिस्से में, मतलब दिल और मेदे के आसपास महसूस हो, तो उसके लिए जो बेहतरीन मेडिसिन है, बहुत अच्छा असर रखने वाली मेडिसिन है, वो है कार्बोवेज। और अगर पेट में दर्द और गैस पेट के निचले हिस्से में, नाफ के अतराफ में, नाफ के आसपास महसूस हो, तो उसके लिए जो बेहतरीन मेडिसिन है वो है लाइकोपोडिन। और अगर पेट दर्द और गैस पूरे पेट में आपको महसूस हो, उसकी वजह से पूरा पेट आपका जो है ना ऐसे डिस्टर्ब हो, गैस महसूस हो, दर्द महसूस हो, तो उसके लिए जो बेहतरीन मेडिसिन है वो है चाइना। इन तीनों मेडिसिन को आप 200 टेंसी में यूज़ कर सकते हैं, 30 में भी यूज़ कर सकते हैं, 200 से ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 200 में इस्तेमाल बेहतरीन रिजल्ट देता है। और मरीज को चंद खुराकें इन मेडिसिन की देने से ही मरीज जो है ना चंद लम्हों में, कुछ वक्त में जो है ना वो बेहतरी महसूस करने लगता है। और इन वक्ती जो मसाइल हैं, ये कैफियात हैं, इनको अलहमदिल्ला ये सारी मेडिसिन बड़े अच्छे तरह क्योर कर देती हैं। तो ये चंद अलामत और चंद कैफियात थी जिनके आमतौर पर सामना करना पड़ता है अक्सर लोगों को, कभी खाने में कमी बेशी की वजह से, कभी फास्ट फूड खाने की वजह से, या ओवर ईटिंग की वजह से ये मसाइल पेश आ जाते हैं, या कुछ ऐसी खाने की अशिया खा लेने से जिनकी वजह से पेट में गैस होना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो इन कैफियात में ये जो मेडिसिन मैंने जिक्र की हैं ये अलहमदिल्ला बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं, और कुछ ही वक्त में मरीज जो है ना वो अपने आप में बेहतरी महसूस करना शुरू कर देता है और उसकी दर्द और गैस का जो मसला है वो बड़े अच्छे अंदाज में क्योर हो जाता है। तो एक बात मैं बताता चलूँ कि ये जो वीडियोस बनाने का मकसद और इन टिप्स का मकसद सेल्फ मेडिकेशन नहीं है कि हर बंदा अपने तौर पे इन मेडिसिन को यूज़ ना करे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी को मसला हो रहा है, तो बेहतरीन ये है कि आपने किसी करीबी होम्योपैथिक किसी अच्छे मालिक से रब्ता करें, उनसे अपने केस अपने मसाइल डिस्कस करें और उनसे अपना इलाज करवाएं। तो इंशाल्लाह ये होम्योपैथिक मेडिसिन किसी भी आपके मसले में मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी और आपको इंशाल्लाह ये मायूस नहीं करेंगी।
अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाएगा। तो ये वीडियोस और जो टिप्स हैं ये होम्योपैथिक डॉक्टर्स या होम्योपैथिक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हैं, आम लोग इसके जो हैं उनके लिए सिर्फ रहनुमाई है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।